ग्यारहवीं जमात विच पढ़ती नाबालिग लड़की नाल नौवीं जमात विच पढ़ते नाबालिग लड़के ने की जबर जनाह की कोशिश। तो मोबाइल और टीवी ने नौजवान पीढ़ी नूं बुरी तरह भटका दिता है। हालात ये बन रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हजे पूरी तरह जवान भी नहीं हुए जबर जनाह वर्गियां वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अजिही एक घटना पुलिस जिला गुरदासपुर के तहत आउंदे थाना धारीवार के तहत वापरी है, जिथे एक नौवीं जमात विच पढ़ने वाले विद्यार्थी ने ग्यारहवीं जमात की विद्यार्थी नाल जबर जनाह की कोशिश की। जबर जनाह की कोशिश करने वाला लड़का ते उसकी शिकार बनी लड़की दोनों ही नाबालिग हैं। शिकार हुई विद्यार्थन वालों अपने स्कूल दियां टीचरां नूं सारी गलबात दसण तों बाद मामला पुलिस के ध्यान विच लिआंदा गया। थाना धारीवार की पुलिस वालों मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। आज सानू छुट्टी तो बाद टीचर ने बुलाया और सानू पता लग्या कि साडी बेटी नाल किसी लड़के ने गलत काम किया है, तो फिर असी उसकी रिपोर्ट उस समय आके स्कूल टाइम के आप थाने असं रिपोर्ट की। इतने थाने आए तो उन्होंने दसिया कि साड़ी बेटी ने इस तरह होया, तो ये जो भी बनती सब तो सब कार्रवाई की जाए। साडा जिहड़ा बच्चा है बिल्कुल नाबालिग है, तो साड़ी सरकार अगे तो पुलिस अगे यही गुजारिश है कि इन्हों सब तो सख्त कार्रवाई की जाए, ता जो बाकी बच्चे जो उन्होंने भी ये जरा वा इस तरह घटनावान ना हो। पुलिस स्टेशन धारीवाल के लिए कल एक विक्टिम पार्टी के वालों विक्टिम फैमिली के वालों साढ़े तक पहुँच की गई, उन्होंने अपनी कंप्लेंट नोट कराई। उस बेस के उत्ते असी आई पी सी के रेलीवेंट सैक्शन और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस केस के जो विक्टिम है वो अपनी टीचर स्कूल टीचर के नाल अपनी गल जी डिस्कस करती है, तो जिमें अपनी स्कूल टीचर ने डिस्कस करती है तो स्कूल टीचर वालों उन्होंने पेरेंट्स नाल गल की जाती है, फिर पेरेंट्स ने साढ़े तक इनफॉर्मेशन दी जिस बेस से जो एफ आई आर है रजिस्टर की गई है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन नाल ही जो इन्हों का मेडिकल है और इस तो इलावा जो बाकी प्रोसीजर से उन्होंने फॉलो किया गया अच्छा पूरा। अज ही इस लड़के को भी एप्रीहेंड किया जा चुका है और एप्रीहेंड करने तो बाद पता चलता है कि ये लड़का जो है वो माइनर है, मीनस वो जो विनाइल में आता है। इस लड़के का अज कोर्ट में उन्होंने पेश किया गया है और नाल ही उन्होंने उसनों ऑब्जरवेशन होम के भेजा गया है।